अस्सलाम वालेकुम। अगले न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। पिछले न्यूमेरिकल में मैंने आप लोगों को बताया था कि रिएक्शन एंडोर्जिक हो या फिर एक्सोर्जिक हो किस तरीके से चेक करते हैं, तो वो क्यू वैल्यू के जरिए चेक कर सकते हैं हम आराम से। ठीक है, इस वाले वीडियो में मैं बता दूंगा कि किस तरीके से जो है आप लोग जो है यहाँ पर थ्रीशोल्ड एनर्जी मालूम कर सकते हैं। थ्रीशोल्ड एनर्जी मैंने पिछले थ्योरी में आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ, इसका न्यूमेरिकल अब देख लेते हैं किस तरीके से हम लोग मालूम कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास न्यूमेरिकल आया हुआ है कि कैलकुलेट फ्रॉम ऑल द एटॉमिक मासेस, मतलब तमाम एटॉमिक मासेस से हमें कैलकुलेट करना है थ्रीशोल्ड एनर्जी। अच्छा, तमाम एटॉमिक मासेस की मदद से, जबकि हमारे पास अगर थ्रीशोल्ड एनर्जी का फार्मूला देखा जाए तो इसके अंदर सिर्फ यहाँ पर हीटिंग पार्टिकल का और जिसके ऊपर टारगेट पार्टिकल है सिर्फ उनका मास आएगा, सही है। इसके अलावा हमारे पास दो मासेस की जरूरत थ्रीशोल्ड एनर्जी मालूम करने में नहीं होगी। लेकिन अगर हमें देखा जाए कि हमारे पास क्यू वैल्यू के लिए, अगर क्यू वैल्यू देखी जाए हमारे पास, क्यू वैल्यू के लिए बाकी तमाम मासेस की जरूरत पड़ेगी, सही है। तो इस वजह से हम लोग यहाँ पर हमें तमाम मासेस यहाँ पे गिवन है। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ हमारे पास बोरोन का मास एटॉमिक मास यूनिट में, प्रोटॉन का मास दिया हुआ है, कार्बन का मास दिया हुआ है, और अच्छा कार्बन का ये आइसोटोप से 6 और 11 वाला, सही है, मतलब जिसका एटॉमिक मास 11 है और जिसका चार्ज नंबर 6 है, सही है। और उसके बाद यहाँ पर मास ऑफ न्यूट्रॉन दिया हुआ है। तो जिस तरीके से मैंने आप लोगों को बताया था कि ये वाले जो मास होगा उसको हम कैपिटल एम और कैपिटल एक्स से जाहिर करेंगे, सही है। ये वाला जो होगा उसको स्मॉल एम और स्मॉल एक्स से जाहिर करेंगे, जो इस पर हिट कर रहा होगा, जो टारगेट पर हिट कर रहा होगा, सही है। इसके अलावा यहाँ पर हम लोगों को कार्बन दिया हुआ है जो हमारे पास क्या बन रहा है, डॉटर बन रहा है, तो इसको हम लोग कैपिटल वाई से जाहिर करेंगे और कैपिटल एम कैपिटल वाई। इसके अलावा हमारे पास न्यूट्रॉन जो है उसको हम लोग जाहिर करेंगे स्मॉल एम और स्मॉल स्मॉल वाई से, सही है। अब थ्रीशोल्ड एनर्जी का फॉर्मूला देख लेते हैं। तो थ्रीशोल्ड एनर्जी का फॉर्मूला होता है माइनस का क्यू इज इक्वल टू माइनस का क्यू वन प्लस का एम स्मॉल और एक्स स्मॉल डिवाइडेड बाय एम कैपिटल और एक्स कैपिटल, ठीक है, कैपिटल एक्स और कैपिटल एम, सही है। अच्छा, इसको मालूम करने के लिए हम लोगों को सबसे पहले क्यू वैल्यू मालूम करनी पड़ेगी। तो क्यू वैल्यू मालूम करने के लिए हम लोगों का फार्मूला पता है हम लोगों को क्या होता है कि कैपिटल एम कैपिटल एक्स प्लस का स्मॉल एम स्मॉल एक्स माइनस का कैपिटल एम कैपिटल वाई माइनस का स्मॉल एम स्मॉल वाई मल्टीप्लाई बाय तमाम को, मतलब ऐड करने के तमाम को ये ब्रैकेट लगाया हुआ है, इसका मतलब पहले इसको सॉल्व करने के बाद फिर मल्टीप्लाई करवा देंगे किससे, सी स्क्वायर से। सी स्क्वायर की वैल्यू कांस्टेंट होती है, जो होती है 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर यू, सही है। अच्छा जी, यहाँ पर हम लोग ने मासेस को पुट कर दिया, उसके बाद हम लोगों ने 931.5 से मल्टीप्लाई करवा दिया, तो हमारे पास क्यू वैल्यू आ गई किसमें, नेगेटिव में। अच्छा, एक चीज और बता सकते हैं जो पिछली वीडियो से हम लोगों ने सीखी है, वो क्या सीखी है हम लोगों ने कि जब नेगेटिव साइन आए तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर हीट एब्जॉर्ब हो रही है। एब्जॉर्ब का मतलब क्या होता है यहाँ पर, एंडोर्जिक, ये रिएक्शन एंडोर्जिक रिएक्शन है, मतलब हीट इसके अंदर एब्जॉर्ब होगी, सही है, नेगेटिव साइन का मतलब ये है। अच्छा, इसके बाद हम लोगों को थ्रीशोल्ड एनर्जी निकालनी है। थ्रीशोल्ड एनर्जी का फॉर्मूला के अंदर हम लोगों ने डायरेक्ट वन लिखकर और पुट कर दिया, माइनस का साइन बाहर आया, उसके बाद माइनस की वैल्यू है तो माइनस में ही आ गई है, सही है। और ये पूरा का पूरा यहाँ पर मासेस पुट हो गए और हमारे पास यहाँ पर थ्रीशोल्ड एनर्जी आ गई 3.018 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा, एक चीज और बताऊं कि हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री की जब भी बात करते हैं तो इसके अंदर मासेस जो है ना वो एटॉमिक मास यूनिट मतलब यू में आते हैं, जितने भी मासेस आते हैं वो यू में आते हैं, जितने भी मासेस आएंगे उनका यूनिट यू ही होगा। और अगर हम लोग इसमें एनर्जी की बात करते हैं तो उसके अंदर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही होगा, चाहे आप लोग बाइंडिंग एनर्जी की बात करो, थ्रीशोल्ड एनर्जी की बात करो, डिसइंटीग्रेशन एनर्जी की बात करो, या फिर कोलंबिक एनर्जी की बात करो, तमाम का यूनिट एक ही होगा, वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। तो अगला जो न्यूमेरिकल आएगा वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पेपर के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वाला न्यूमेरिकल, तो उसको लाजमी देखिएगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे वीडियो को शेयर करें।